नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो हम कॉपी डिस्कस करने वाले हैं ये ओरिजिनल डिस्क्रिप्टिव की कॉपी है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट को लेटर में 0 out of 50 मार्क्स मिले। तो इसको क्यों 0 मार्क्स मिले, एक छोटी सी गलती इसने की जिसकी वजह से इसे 0 मार्क्स मिले। तो ऐसी गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। तो वो कौन सी गलती इसने की और यहाँ से आपको क्या सीखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फॉर्मल लेटर को लिखने का एक सही तरीका क्या है, एक फॉर्मल लेटर आप किस तरीके से लिखोगे, बेस्ट तरीका क्या है ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिले। तो इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस किया है। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम टिल एग्ज़ाम आपकी कॉपी चेक करेंगे, टिली आपको एक ऐसे एक लेटर एक प्रेसाइज कि मतलब हम वर्क देते हैं और डेली आपकी कॉपी चेक होती है। उसके अलावा डेली हम टॉपर्स की कॉपी आपके बीच में शेयर करते हैं। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे लेटर प्रेसाइज आरटी की कॉपी वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट को लेटर में जो मार्क्स मिले हैं वो 30 मिले हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने एक गलती की है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया गया। तो क्या गलती इसने की है, और ये जो फ्रंट पेज है इसको आपको अच्छे तरीके से भरना है। मीडियम आपको सेलेक्ट करना होगा और जो मीडियम आपने चूज़ किया है उसी मीडियम में आपको लिखना भी होगा। ये जो फ्रंट पेज है इसको भरने में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटर है वो किस प्रकार का है, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लेटर जो है फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो क्या दिया हुआ है, आप सुनील सुनीता निवासी गांधी रोड द्वारका, गांधी रोड द्वारका के निवासी हैं, ठीक है। नई दिल्ली 11063, यानी कि ये आपका क्या है, राइटर का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। फिर जीडी रेस्टोरेंट के मैनेजर को वहाँ की खराब कार्यशैली तथा भोजन के स्तर के बारे में शिकायत करते हुए आपको एक पत्र लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फॉर्मल लेटर है उनको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सल्यूटेशन करेंगे, फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो राइटर का एड्रेस तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप सुनील सुनीता है, निवासी गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली 11063। तो यहाँ पर इन्होंने परीक्षा भवन गलत डाला है, यहाँ पर पूरा पता दिया हुआ है कि गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली 11063, ठीक है। दिनांक डाल दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने किसका एड्रेस डालेंगे, रिसीवर का। तो रिसीवर का एड्रेस क्या है, मैनेजर महोदय जीडी रेस्टोरेंट नई दिल्ली, और इन्होंने देखो पिन कोड अपने तरफ से यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये सब आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नई दिल्ली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नई दिल्ली के बारे में भी जिक्र नहीं किया, तो आप सिर्फ इतना लिखो मैनेजर महोदय जीडी रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने अपने तरफ से आपको जो पिन कोड वगैरह है इस तरीके से बना के नहीं लिखना, और इसी की वजह से इन्हें जो है वो 0 मार्क्स मिले हैं 30 नंबर मिलने के बावजूद भी। तो आपको XYZ PQRS या इस तरीके से पिन कोड अपने तरफ से मोबाइल नंबर इस सब का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आपका आएगा रेस्टोरेंट की खराब कार्यशैली तथा भोजन के स्तर के बारे में शिकायत करने के लिए, ठीक है। मान्यवर, मैं और मेरा परिवार पिछले सप्ताह आपके रेस्टोरेंट में रात्रि भोजन के लिए आए थे। हमारे द्वारा खाना जल्दी ऑर्डर करने के बाद भी वेटर बहुत देर से खाना लेकर आया तथा आश्चर्य की बात तो ये है कि जो खाने की चीज़ें हमने ऑर्डर की थीं वो उनसे अलग थीं। हमारे द्वारा कहे जाने पर खाना दोबारा तो आया लेकिन समय बहुत लगा। जिस उत्सुकता से हम आपके रेस्टोरेंट में आए थे वो सब आपके द्वारा दिए गए भोजन से गायब हो गया। भोजन में बाल निकलने पर हम बिना खाए बिल चुकाकर घर वापस आ गए। आशा करते हैं कि आप अपनी खराब कार्यशैली व भोजन के स्तर में सुधार करेंगे, धन्यवाद भवदी। तो यहाँ पे सुनील लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने गलती क्या की है कि अपने तरफ से कुछ चीज़ें यूज़ की हैं। तो अपने तरफ से आपको कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको राइटर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे परीक्षा
परीक्षा कक्ष या परीक्षा भवन और इस तरीके से डैश लगाएंगे, फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर राइटर का, फिर रिसीवर का एड्रेस डालेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि राइटर का एड्रेस डाल दिया, फिर एक लाइन का गैप, फिर डेट आपने डाल दी, फिर उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, फिर मान्यवर यानी कि संबोधन किया। और फिर यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी गलत नहीं। आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पे संबोधन किया तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो और फिर आप फ्लो में जो है वो लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जितना भी कंटेंट है वो लेफ्ट हैंड से ही आपका स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये भवदी जो है यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। उसके अलावा अपने तरफ से कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी कोर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने समझा रखी है, तो कोर्स को आज ही ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को दर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।